गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल अबाउट एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो जीके के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च लैब स्थित है। तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है, ये दक्षिण गंगोत्री ये इस यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। भारतीय यह एक भारतीय रिसर्च लैब है जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका महादेश में, जिस महादेश को अंटार्कटिका महादेश को हम लोग श्वेत महादेश के नाम से जानते हैं, उसी महादेश में, अंटार्कटिका महादेश में ये दक्षिण गंगोत्री नामक रिसर्च लैब भारतीय वैज्ञानिकों, खास करके डॉक्टर कसीम के नेतृत्व में यह लैब स्थापित किया गया है। और ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंटार्कटिका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। तो कौन सा? तो रिसर्च लैब का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री नामक रिसर्च लैब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका महादेश में स्थापित किया गया है। और बात करें कि इसमें प्रमुख भूमिका किस वैज्ञानिक की रही है, तो वो है डॉक्टर कसीम की इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है इसमें। तो ये भी याद रखना है डॉक्टर कसीम की। और अंटार्कटिका महादेश को हम लोग किस महादेश के नाम से जानते हैं? तो श्वेत महादेश के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना है। आइए देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन है, द गेटिसबर्ग एड्रेस किस अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रसिद्ध भाषण है? तो ध्यान रखना है, द गेटिसबर्ग एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है। इसका आंसर है अब्राहम लिंकन। जब अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उसी समय उन्होंने अपना प्रथम भाषण दिया था, जिसे गेटिसबर्ग एड्रेस नाम दिया गया है। और ये इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी भाषण के समय अमेरिका में चल रहे दास प्रथा का इन्होंने समापन किया था। किसका? दास प्रथा का समापन किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति 1860 के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के समय ही उन्हीं के द्वारा, इसी भाषण के द्वारा। कौन सा भाषण? तो भाषण का नाम है द गेटिसबर्ग एड्रेस। इसी भाषण के द्वारा अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में चल रहे दास प्रथा का समापन किया। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय वन नीति 1980 में लाया गया। राष्ट्रीय वन नीति, इसके पहले अंग्रेजों का वन नीति चल रहा था भारत में, और अंग्रेजों ने भारत में वन नीति 1894 ईस्वी में बनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। भारत सरकार ने 1980 ईस्वी में वन नीति बनाया, और अंग्रेज उससे पहले 1894 में वन नीति बनाए थे। और इस वन नीति के अनुसार पर्यावरण को ध्यान में रखकर यह वन नीति बनाया गया था। और इसमें भारत सरकार द्वारा कहा गया था कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में 33% और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% वन होना जरूरी है पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए। भारत में मैदानी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत? तो मैदानी में 33 और पर्वतीय में 67% वन होना जरूरी है। और भारत में वन नीति की बात करें, तो वन नीति 1894 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, और राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो 1980 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर नामक दर होता है। पोटोमीटर जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो पोटोमीटर में मापी जाती है। तो इसका आंसर हो गया पोटोमीटर। आइए आगे देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन, महायोगेश्वर की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये महायोगेश्वर की मूर्ति आंसर हो गया मोहनजोदारो में मिली है। और इसकी खोज का श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है, और उन्हीं के द्वारा मोहनजोदड़ो में महायोगेश्वर मंदिर खोजा गया। और सर जॉन मार्शल ने जब इसकी खोज की थी, तो इन्होंने इस मूर्ति को महायोगेश्वर की मूर्ति को कहा था कि यह शिव का प्राचीनतम रूप है। इन्होंने शिव के प्राचीनतम रूप कह डाला इन्होंने। किसने कहा? तो सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो में महायोगेश्वर की मूर्ति जो खोजी गई थी उसे शिव का
प्राचीनतम रूप कहा था। आइए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, घन आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं। तो घन आकार के जीवाणु, जो सभी जीवाणु, जीवाणु बहुत तरह से पाए जाते हैं, बैक्टीरिया बहुत तरह का पाया जाता है, और उन्हें आकार के तरह, आकार के द्वारा नाम दिया गया, आकार के अनुसार उनका नाम नामकरण किया गया है। जैसे घन आकार के जीवाणु, घन आकार के जीवाणु को सरसीना जीवाणु कहा जाता है, सरसीना बैक्टीरिया, और उसी तरह छड़ आकार के जो जीवाणु होते हैं, छड़ आकार के जीवाणु, उन्हें बेसिलस कहा जाता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छड़ आकार के जीवाणु को बेसिलस कहा जाता है, और गोल आकार के जीवाणु, जो गोल आकार के जीवाणु होते हैं, उन्हें कोकस कहा जाता है, उन्हें कोकस कहा जाता है। उसी तरह कोमा आकार के जीवाणु होते हैं, कोमा आकार के जीवाणु को बाइब्रियो कहा जाता है, और इसी जीवाणु, कोमा आकार के जीवाणु से ही शरीर में हैजा, हैजा रोग फैलता है। हैजा रोग जो फैलता है, कोमा, जो कोमा आकार के जो जीवाणु होते हैं, उन्हीं के द्वारा फैलता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा? तो एक घन आकार का जीवाणु, दूसरा छड़ आकार का जीवाणु, गोल आकार का जीवाणु और कोमा आकार का जीवाणु, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्था। तो हम जानते हैं कि हाँ, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो हैबर विधि द्वारा होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि हैबर विधि में क्या होता है। तो हैबर प्रोसेस द्वारा जब अमोनिया का निर्माण होता है, तो उसमें दाब को अधिक रखा जाता है और ताप को कम रखा जाता है। बात करें दाब की, तो दाब बहुत ज़्यादा रहता है, दाब 200 ATM रहता है, 200 ATM दाब रखा जाता है, और ताप 773 रखा जाता है डिग्री केल्विन, केल्विन में ताप को रखा जाता है 773, और 200 ATM रखा जाता है अधिक दाब, जो दाब बहुत ज़्यादा है दाब, तो दाब अधिक और मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, दाब अधिक और ताप कम रखा जाता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में प्रेरित प्रजनन, मछलियों में जो प्रेरित प्रजनन होता है, प्रेरित प्रजनन कहने का अर्थ है कि मानव इच्छा अनुसार प्रजनन किस अंतःस्रावी ग्रंथि के सुई से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नया क्वेश्चन भी है, इसे याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो मछलियों में प्रेरित प्रजनन कराने के लिए मछलियों के ही पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिस भी मछली का प्रेरित प्रजनन कराना है, उसी मछली के पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल करके, पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल करके उसकी पिसाई करना है, उसको ग्राइंडिंग करके और उसी की सुई उसी पिट्यूटरी ग्रंथि की सुई मछलियों को दी जाती है, जिससे मछलियों में बहुत तेज़ी में प्रेरित प्रजनन होता है। और इसी प्रेरित प्रजनन विधि द्वारा मछलियों की खेती भी होती है, मछलियों की खेती पीसी कल्चर जो होती है, इसी माध्यम से होती है। पीसी कल्चर में क्या किया जाता है? तो मछलियों की खेती या मछलियों के अध्ययन के बारे में जानते हैं, मछलियों की खेती कैसे होती है। तो मछलियों की खेती में हम लोग क्या करते हैं, मछलियों की खेती में हम लोग मछलियों का प्रेरित प्रजनन कराते हैं। मछलियों का प्रेरित प्रजनन कैसे होता है? तो मछलियों के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, उसी को निकाल करके और उसी पिट्यूटरी ग्रंथि की सुई हम लोग मछलियों को देते हैं, जिससे मछलियों में बहुत शीघ्र प्रजनन, ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रजनन होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आकाश में बिजली चमकने पर नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आकाश में जब बिजली चमकती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे दिया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर बात करें इसी पे कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसे हंसाने वाले गैस के रूप में यूज किया जाता है, इसे बेहोश भी किया जाता है आदमी को। तो अगर यहीं पे बात करें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये ब्राउन कलर का, ये कलर में ब्राउन होता है, इसका कलर ब्राउन होता है, और ये इसको प्रकाश रासायनिक धुआं के नाम से जाना जाता है, प्रकाश रासायनिक धुआं के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, प्रकाश रासायनिक धुआं के नाम से जाना जाता है। और इसे हम लोग जब वातावरण में जब देखते हैं कि ज़्यादा वातावरण जब कभी कभी देखिएगा ब्राउन हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है, तो हम अगर पूछा जाए कि वातावरण ब्राउन किस कलर के द्वारा होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में अधिक हो जाएगी, तो प्रकाश का, आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, तो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का पूरा वातावरण दिखने लगेगा।
और आकाश में बिजली कैसे चमकती है, तो जब आकाश में बिजली चमकती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, टीकाकरण द्वारा किस रोग का नियंत्रण हो सकता है, तो टीकाकरण द्वारा पोलियो का नियंत्रण हो सकता है, ये सही है। टीकाकरण वायरस वाले, वायरस जनित रोग जो होते हैं उन्हीं में टीकाकरण दिया जाता है, क्योंकि वायरस वाले रोगों में का परमानेंट इलाज नहीं होता है, और परमानेंट इलाज नहीं संभव है, तो इसीलिए उनको टीका टीका दिया जाता है, टीका ही उनका परमानेंट सोल्यूशन है। जैसे पोलिया पोलिया हो गया, पोलियो के बाद देखें तो आप इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा के बाद देखें चेचक हो गया, ये सभी रोग वायरस से होने वाले हैं जिनमें टीका ही असरदायी होता है। आगे देखिए 11th नंबर क्वेश्चन, लुनिस्त्री, लुनिस्त्री किस फसल की उन्नत किस्म है, तो लुनिस्त्री जो लुनिस्त्री है वो धान की उन्नत धान की जो उन्नत किस्म है लुनिस्त्री। और बात करें गेहूं की उन्नत किस्म की, तो गेहूं की उन्नत किस्म होती है सोनालिका, सोनालिका। उसके बाद होता है कल्याण सोना, कल्याण सोना ये इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करना है, याद कर लेना भी है। तो धान की वो जो उन्नत किस्म है लुनिस्त्री हो गई है। और ये बात करें लुनिस्त्री ये उन्नत किस्म कहाँ तैयार की गई है, तो ये लुनिस्त्री इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक जो है उड़ीसा में, वहीं पे ये तैयार किया गया है, कटक उड़ीसा में, कटक में जो वहीं पे तैयार किया गया है लुनिस्त्री। और यहीं पे अगर हम बात करें कि भारत की खाद्य फसल कौन सी है, तो भारत की खाद्य फसल चावल है। और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की खाद्य फसल क्या है, तो पाकिस्तान की खाद्य फसल गेहूं मानी जाती है, गेहूं है पाकिस्तान की खाद्य फसल। आगे बात करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, कपास की उन्नत किस्म क्या है, तो कपास की उन्नत किस्म जयलक्ष्मी है, जयलक्ष्मी है कपास की उन्नत किस्म। आगे देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किन तीन आवर्तों में सबसे अधिक उपधातु पाए जाते हैं, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी के 14वें आवर्त, 15वें आवर्त और 16वें आवर्त में अधिक उपधातुओं की संख्या पाई जाती है। और बात करें कि आवर्त का आवर्त सारणी में बाएं तरफ धातुओं को रखा गया है, लेफ्ट साइड में मेटल्स को रखा गया है, मेटल्स को रखा गया है, उसी तरह राइट साइड में नॉन मेटल को रखा गया है, नॉन मेटल को। और बात करें कि यहाँ पे 14, 15 और 16वां आवर्त हो गया, किससे रिलेटेड हो गया, तो इन तीनों आवर्तों में अधिक उपधातु पाई जाती है। और उसी तरह 17वां आवर्त में बात करें, आवर्तों की संख्या आवर्त सारणी में 18 है, तो 17वां आवर्त की बात करें तो उसमें हाइलोजन ग्रुप को रखा गया है। और उसी तरह 18वां ग्रुप में अक्रिय गैस रखा गया है, अक्रिय गैस, तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे उपधातु कौन से अधिक, सारे सबसे अधिक उपधातु किन आवर्त सारणी में पाए, आवर्त सारणी किस आवर्त में पाए जाते हैं, तो 14वां, 15वां और 16वां आवर्त में पाया जाता है। आगे देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन, महासागरीय जल से निर्मित वाष्प में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो महासागरीय जल से निर्मित वाष्प होता है उसमें नमक की मात्रा बिल्कुल ही नहीं होती है, और बिल्कुल 0% होती है, याद रखना। किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है, तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो आइए पहले देख लेते हैं गतिज ऊर्जा होती क्या है और स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा गति में की गई, गति के द्वारा कोई भी वस्तु या आदमी द्वारा गति के द्वारा की गई, गति के कारण जो ऊर्जा खपत होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ½mv² m मासी कोई वस्तु है अगर v चाल से जाती है तो उसी गतिज ऊर्जा ½mv² होगी। उसी तरह बात की जाए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर बात की जाए तो स्थितिज ऊर्जा गुरुत्व के विरुद्ध में, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जो कार्य किया जाता है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग mgh बोलते हैं, इस mgh इसका फॉर्मूला होता है, m हो गया मास, g ग्रेविटेशनल फोर्स और h ऊंचाई हो गया। तो जब कोई वस्तु या कोई कार या कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ेगा तो क्या होगा, एक तो वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करेगा, पहाड़ पर चढ़ रहा है कोई तो गुरुत्व के विरुद्ध तो काम होगा, एक ऊपर चढ़ रहा है और गति भी कर रहा है, दोनों चीज़ कर रहा है, इसलिए इसका आंसर गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगा। आगे देखिए 16th नंबर क्वेश्चन, शरीर के अंदर किस पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के कारण नहीं होता है, यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया है, शरीर के अंदर थक्का किस पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के कारण नहीं बनता है, तो हिपेरिन के कारण थक्का नहीं बनता है, थक्का बनने से रोकता है, यहाँ पे थक्का होना चाहिए, थक्का होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग,
थक्का हुआ, तो इसका आंसर होगा हिपेरिन के कारण थक्का नहीं बनता है। आइए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल जिसे हम लोग असंतृप्त वसा भी बोलते हैं, वनस्पति तेल को हम लोग असंतृप्त वसा बोलते हैं, असंतृप्त वसा बोलते हैं, और वनस्पति घी को संतृप्त वसा बोलते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। संतृप्त वसा शरीर के लिए हानिकारक होता है, जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, ये सब सभी हानिकारक हैं। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और निकेल का प्रयोग करके हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस किया जाता है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, दुधारू गौ में होने वाले मिल्क फीवर रोग का कारण क्या है? तो दुधारी गौ में याद रखना है, दुधारू जो भी गायें होती है उनमें कौन सा रोग होता है? तो मिल्क फीवर रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट रोग है, मिल्क फीवर रोग होता है। और वो किसकी कमी के कारण होता है? तो बात करें कमी, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू गौ में मिल्क फीवर रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, किस स्तनधारी की आँखें सबसे बड़ी होती है? तो याद रखना है हिरण इम्पॉर्टेंट है, हिरण ऐसा स्तनधारी है जिसकी आँखें सबसे बड़ी होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँखें किसकी होती है? तो हिरण की होती है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के किस घटक की खोज सबसे पहले की गई थी? तो परमाणु के 3 घटक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन की घटक की खोज हुई थी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर दूसरे नंबर पे प्रोटॉन की खोज हुई, फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कॉपर सल्फेट का रंग होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, और कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है? तो कशिश भी बोला जाता है, नीला कशिश या कशिश बोल सकते हैं, वो कशिश बोला जाता है। इसका बात करें कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का CuSO4, उसका तो 5H2O यहाँ पे होता है, 5H2O होता है यहाँ पे। कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है? तो नीला कशिश बोला जाता है, इसका रंग नीला होता है, और इसका फार्मूला बोल सकते हैं CuSO4 5H2O। और कॉपर सल्फेट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कॉपर सल्फेट में 5 क्रिस्टल वाटर होते हैं, 5 क्रिस्टल वाटर कॉपर में होते हैं। देखिए यहाँ पे 5H2O है ना, 5 क्रिस्टल वाटर कॉपर सल्फेट में होते हैं। तो यही क्वेश्चन, यही 21 क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए थे इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों ने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी है, पूरी तरह से अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उतना ज़्यादा आप दूसरे को इस वीडियो का फ़ायदा